नमस्कार दोस्तों, आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा राज्य के चिकित्सकों एवं निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात हुई, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु विचार विमर्श किया गया। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से कहा कि उनकी बड़ी भूमिका है कोरोना से छिड़े महायुद्ध में। हमारे पास संसाधन कम है लेकिन आत्मबल प्रचंड है। स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में झारखंड थोड़ा पीछे है, फिर भी हमें बेहतर परिणाम देना है। कम संसाधन में बेहतर परिणाम कैसे दें, यह हमें मिलकर तय करना है। चिकित्सकों ने एक स्वर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की वकालत की। चिकित्सकों का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग वायरस से बचाव का एकमात्र माध्यम है। मुख्यमंत्री को बैठक में चिकित्सकों ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य से संबंधित दवाओं के दाम बढ़ गए हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को आश्वस्त किया कि इसके लिए टीम बनाकर कालाबाजारी को रोका जाएगा, आप सभी इसकी जानकारी समय समय पर सरकार को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में लॉकडाउन चुनौती है जिसका हम सामना कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन पूर्णतः हो रहा है लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। राज्य के करीब 7 लाख लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में फंसे हैं। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के बाद जब फंसे हुए लोग आएंगे तो एक अलग चुनौती का सामना हमें करना होगा। फंसे हुए लोगों को वहाँ की राज्य सरकार भरसक मदद करने का प्रयास कर रही है। राज्य में लॉकडाउन समाप्त करने पर सरकार परिस्थितियों का आकलन कर समाप्त या जारी रखने का निर्णय लेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य के चिकित्सकों का ग्रुप बनाकर विचारों को साझा करेंगे। वर्तमान सरकार चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी। सरकार संवेदनशील है, स्वास्थ्य संसाधनों को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य होगा। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में ख्याति प्राप्त चिकित्सकों ने सुझाव दिया कि झारखंड में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। लॉकडाउन समाप्त होने से संक्रमण के फैलने की संभावना है। सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग सुरक्षा का सही उपाय है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का सहित अन्य सभी पदाधिकारी तथा गणमान्य डॉक्टर उपस्थित। रिम्स को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कवच मिला है। करीब 400 पीपीई किट रिम्स को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही जब मुख्यमंत्री से पूछा गया लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बारे में, तो सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। सर, बड़ा सवाल ये है, लॉकडाउन को बढ़ाएंगे क्योंकि सर्वदलीय बैठक में पीएम ने संकेत दिया है, तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर से बात हुई, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? देखिए, ये आपदा है, आपदा कभी भी कोई भी रूप ले सकता, हो सकता है ये विकराल हो जाएगा, हो सकता है कि जहां है वही स्लोली ये स्लो मोशन में रहे। ये मैं अपने राज्य की बात करूं और आपदा का इसमें कैरेक्टर बताऊं। आज इसलिए इन सब चीजों को बहुत पहले बातों को रख देना, मुझे लगता है कि ये मानवीय असर आम जनों पर पड़ता है। जो फंसे हुए लोग हैं, मजदूर हमारे, जो क्वारंटाइन है लोग, जो आइसोलेशन में है लोग, वो एक मानवीय असर करता है। कहीं वो अच्छा भी हो सकता है, कहीं वो बुरा भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों से इस विषय पर आग्रह यही है कि इसका मैं समय अनुसार निर्णय हम आप लोग के बीच में रखेंगे। अभी इन सभी चीजों का आकलन बहुत महत्व